ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, यह है मॉर्निंग का टाइम, मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू फ्रेंड आते हैं, चैनल को ऑल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, मॉर्निंग का एक्सरसाइज मेरा स्टार्ट हो गया है। अगर आपको मोटापा को कंट्रोल करना है, बॉडी को फिट रखना है, निरोग रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आप एक्सरसाइज डेली रूटीन में अपनाएं। अगर आप ये आदत अपना जिंदगी भर के लिए बदल लेते हैं, सब दिन के लिए आप अपना लेते हैं इस एक्सरसाइज को, तो आपको स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार नज़र आएगा। और वेट तो खैर लॉस होगा ही होगा, क्योंकि आप अगर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे डेली का डेली, तो आपका चर्बी घटेगा ही। कई लोगों को सुबह जगना पसंद नहीं है, कई लोगों को सुबह जगना पसंद है पर वो जगते नहीं, क्योंकि उनको आलस आता है। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, मोटापा घटाना है, तो ये आदत तो आपको बदलना ही पड़ेगा। सुबह तो आपको जगना ही पड़ेगा, आपके बदले कोई और एक्सरसाइज नहीं कर देगा। फ्रेंड्स, ये होने लग जाता है ना कि किसी के बदले कोई एक्सरसाइज कर दे, तो सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों के लिए ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के लिए हर दुख दर्द सह लेते हैं, उसको खुश रखने के लिए, खाना पीना देने के लिए और पढ़ाई अच्छा संस्कार देने के लिए सारा कष्ट उठाते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं। और अगर बच्चे के लिए ये भी होता कि हम एक्सरसाइज कर लें और बच्चे स्वस्थ रहे और उनका मोटापा कंट्रोल रहे, तो माता पिता ये भी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मोटापा घटाना है तो आपको ही एक्सरसाइज करना होगा। सुबह का ये आदत आप बदल लीजिए, डेली एक्सरसाइज को अपनाइए, और सुबह सुबह एक्सरसाइज करना काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, मॉर्निंग अभी धूप भी नहीं निकला है, अभी 5 बजे है फ्रेंड्स, हम जग गए हैं और एक्सरसाइज में लग गए हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ही करते हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं तो मूड मेरा फ्रेश हो जाता है, नींद भाग जाता है, चला जाता है नींद, और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज में लग जाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, अगर आप करेंगे तो फिर आपका भी आदत बन जाएगा। तो सुबह उठकर अगर आप अपनाते हैं इन आदतों को, तो आप मनचाहा वेट लॉस कर सकते हैं। जिनका जितना भी वेट है ना, अगर आप प्रतिदिन करते हैं एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होता जाएगा और आप अपने आप में फील करेंगे कि आप कितने पतले हो गए हैं, पहले से आपका वेट काफ़ी कम हो गया है। और ये खुशी आपके चेहरे पर नज़र आएगी, आसपास के लोग बोलने लग जाएंगे, आपको खुद में फील होगा, आपके परिवार में लोग बोलने लग जाएंगे कि आपका वेट काफ़ी कम हो गया है पहले से, तो आपके अंदर ना एक अलग से एनर्जी आ जाएगी कि चलो अगर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज तो इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, तो और भी अच्छा से आप एक्सरसाइज करेंगे और आपका वेट लॉस होता जाएगा। ये पता है फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज करने से काफ़ी अच्छा होता है। हम लेडीज़ का जो है ना, नाभि के नीचे का जो भी प्रॉब्लम होता है, बच्चे दौनी से जुड़ा हुआ, वो सारा चीज़ सारा कंट्रोल होता है वहाँ का प्रॉब्लम। और ये पवन मुक्तासन तो पेट के लिए, एसिडिटी के लिए काफ़ी ही अच्छा है। इनको तो आप शामिल जरूर ही करें वेट लॉस के लिए, क्योंकि देखिए पेट ठीक रहता है तो उसी से तो सारा समस्या जुड़ा रहता है, तो इसको ठीक रखना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, एक्सरसाइज मेरा हो गया है, हम आ गए हैं यहाँ पे हनी लेने के लिए। प्लेन वाटर लिए हैं यहाँ पे कैंट का ही, और एक गिलास, और उसमें एक चम्मच हनी लिए हैं। इसको अच्छे से घोलेंगे, क्योंकि देखिए हनी इसमें अच्छे से नहीं घोलेंगे तो फिर रह जाएगा, तो अच्छा नहीं होता है। तो इसको अच्छे से घोल के और आराम से बैठ के सिप सिप करके इसको पीना होता है। तो हम डेली लेते हैं एक चम्मच हनी पानी के साथ, बहुत ही और अच्छा भी लगता है, आदत भी बन जाता है। ऐसा नहीं कि ये ख़राब लगता है पीने में, अच्छा भी लगता है। और सुबह सुबह जितना ज़्यादा पानी पियेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सरसाइज का फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए खाली पेट सुबह सुबह, क्योंकि जितना भी होता है ना, सारा दिन का पेट में गंदगी जमा हुआ रात भर, चाहे उसको आप टॉक्सिन्स कह लीजिए या फिर गंदगी कह लीजिए, जो भी कहिए, ऐसा माना जाता है कि अगर खाली पेट ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो सारा चीज़ एकदम गंदगी को बाहर कर देता है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए, हम एक पानी पी के बर्तन भी धो लिए फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ कपड़ा समेटने लग गए, काफ़ी दिन से कपड़ा रखा हुआ था, इधर गए थे ना पार्टी में तो साड़ी वगैरह ये सब पहन के गए थे ना, तो 2 साड़ी तो हम समेट के रख दिए हैं, और एक साड़ी मेरा रखा हुआ है उसको भी समेटेंगे। और ये डेली यूज़ का जो कपड़ा वगैरह था, थोड़ा बहुत अंदर था रूम में, ये सब भी समेट कर रख देंगे। और ये साड़ी धोएंगे नहीं फ्रेंड्स, एक दिन ही पहने हैं ना,
एक दिन पहन के नहीं धोते हैं हमेशा, कुछ वैसा खास गंदा नहीं होता है, थोड़ा बहुत गंदा होता है। इसको ना धूप में दे देते हैं सूखने के लिए, उसके बाद सुखा के उठा के रख देते हैं। हमेशा हमेशा कपड़ा धोने से ना इसका शाइनिंग खराब होता है, अच्छा नहीं होता है, कपड़ा बिल्कुल भी रद्दी बन जाता है। इसलिए अगर एक दिन जाते हैं कहीं पहन के ना तो उसको नहीं धोते हैं। हाँ, दो चार बार पहन लेते हैं फिर ही हम धो करके उसको सुखाते हैं। तो जितना भी पीछे भी रूम में था कपड़ा वगैरह सारा उठा के हम समेट लेंगे। और बच्चे लोग अभी जगह नहीं है, बहुत सवेरे है ना, और आंचल के पापा चले गए हैं वहाँ ग्राउंड जाते हैं ना अपने स्कूल में, जितने भी बच्चे हैं सबको खिलाते हैं, जिनको भी मर्जी होता है वो सब आते हैं और ये प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और मतलब खो खो वगैरह खिलाते हैं। जो भी होता है बहुत तरह का खेल होता है ना, गोला फेंकवाना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारा चीज़ करवाते रहते हैं। और इनका ये ड्यूटी नहीं है फ्रेंड्स, इनका ये तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इनका जो भी मैथ वगैरह वो पढ़ाते हैं, स्कूल में क्लास लेते हैं, बस ये ना इनका शौक है। और इनको ये सब करना काफ़ी अच्छा लगता है, इनको लगता है कि अगर हम किसी के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दें, अच्छा होता है ना। क्योंकि सरकारी स्कूल में ये सब चीज़ ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई भी एक्टिव नहीं रहते जिनका मतलब ये सब काम है, जो इस चीज़ के लिए वहाँ मतलब जो बहाल हुए हैं, जो कि आए हैं स्कूल में, वो भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा बच्चों का मदद कर सके। उसके बाद देखिए साड़ी दे दिए बाहर सूखने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए यहाँ लग गए, आटा लगा के रख दिए फ्रेंड्स। इधर मेरा दाल बन चुका है और आप देख सकते हैं टेबल मेरा चूल्हा वगैरह बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं किए हैं। नाश्ता बना लेंगे, खाना बना लेंगे, फिर बाद में साफ़ सफाई करते रहें, क्योंकि नाश्ता टाइम पर बनना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है ना जगने में, इसलिए लाइट वगैरह नहीं रहता है ना, रात में अच्छे से नींद पूरा नहीं होता है गर्मी की वजह से, सुबह थोड़ा लेट हो जाता है जगने में। करेला का भुजिया मेरा बन चुका था, उसको निकाल लिए हैं। और यहाँ पे देखिए आलू का भुजिया काट के रखे थे, धो के पानी में ही डाले हुए थे, उसे निकाल करके फिर वो छौंका लगा दिए। और मेरा उधर खाना भी बनता है तो हम इधर काम भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बस सब काम करके खाना बनाने भिड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वैसे में ना दोगुना टाइम वेस्ट होता है। मेरा खाना भी बनते जाता है, इधर मेरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी है सारा साथ साथ ही हम मैनेज करते हैं, ताकि दोनों काम मेरा साथ ही हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद फ्री हो जाते हैं तो हम अपना इधर का काम करते रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने के लिए आ गए, दोनों बच्चे को ना पढ़ाई के लिए बैठाए हुए हैं और थोड़ा सा फ़ैन बंद कर दिए, दोनों का नाटक शुरू हो गया। देखिए फैन अभी हम बंद कर दिए क्योंकि ना फैन में झाड़ू देते हैं ना तो पूरा धूल इधर से उधर होने लग जाता है, तो हम बंद कर दिए फैन, तो दोनों का नाटक शुरू हो गया है। अलांस बोला था जल्दी फैन चलाओ, जल्दी फैन चलाओ। अब मेरा सब जगह झाड़ू लग गया है और बेसिन साफ़ करने लगे हैं, बेसिन भी मेरा गंदा हो गया था और उजला बेसिन है फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी गंदा दिखने लग जाता है। मतलब एक बार गंदा लगने लगता है ना कि चलो गंदा हो गया, उसको जब तक साफ़ नहीं करेंगे ना तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, तो उसको हम सोचते हैं साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ का दाग ना बहुत जल्दी पकड़ता है, एकदम उजला पे ना बहुत ही गंदा लगता है। और बेसिन जब गंदा होना बिल्कुल मन नहीं लगता यूज करने का। और पीछे ये बालकनी का बेसिन है और ये भी लाइट कलर का ही है, हल्का ग्रीन कलर का है, वो तो वाइट था पूरा, तो उसमें तो खैर बहुत ही गंदा दिखता है। और ये बाहर का है ना बालकनी तरफ का, इधर भी तो हवा से धूल से बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो दोनों बेसिन को भी साफ़ कर लिए। और यहाँ पे साफ़ किए तो पानी वगैरह गिर गया था, तो सोचे इधर भी बालकनी भी साफ़ कर ही लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद अंदर का काम करेंगे फ्रेंड्स। वैसे तो हम डेली पूरा अंदर में पोछा वगैरह कर लेते हैं तब फिर आते हैं बालकनी साफ़ करने, लेकिन आज क्या हुआ ना बेसिन यहाँ पे साफ़ किए, सोचे यहाँ पे साफ़ कर ही लेते हैं फिर अंदर में पोछा वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का अब यहीं पे दी एंड करेंगे, मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा क्योंकि यहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, और आगे का ना हम दूसरे दिन शेयर करेंगे, वीडियो लिया हुआ है तो उसको आगे वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये जानना है कि हम अपना वेट कैसे कंट्रोल रखते हैं, क्या किए, क्या खाए, कब कब एक्सरसाइज करते हैं, अगर सब चीज़ जानकारी लेना है तो आप हमेशा मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप भी अपना वेट कंट्रोल कर सके, रख सके, अपने वेट को बढ़ने से रोक सके। तो यहीं पे फ्रेंड्स आप सबसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।